सो हेलो गाइस कैसे आप लोग मैं उसे एंड यू आर वाचिंग आर जेस लॉग्स सो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान तो आपके माइंड में क्या आएगा जयपुर जैसलमेर जोधपुर हवा महल और उसके साथ ही आपके माइंड में एक एक चीज़ ज़रूर क्लिक करेगी वो है भानगढ़ यानी भानगढ़ का किला जी हाँ मैं उसी भानगढ़ की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए तो गाइज़ हम यहाँ पे लास्ट नाइट आए थे यहाँ पे घूमने के लिए और हमने रात को जाने की कोशिश भी की थी बट कुछ सिक्योरिटी रीजंस के, के कारण हमको जाने नहीं दिया गया था वहाँ पे तो इसके बारे में और जानने के लिए हमारे हमारे साथ हैं जी आपका नाम रमेश भावना गेस्ट हाउस वाला तो आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं इसके बारे में कि कैसा क्या है जो ये बोलते हैं कि इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सच है भी या नहीं तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इसमें बोला बोलते हैं कि दुनिया के यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और मैंने कि अगर मैं कहूँ तो भूत प्रेत वगैरह होते हैं तो कैसा कैसी ना बताइए एक बार देखो यहाँ पहले जो रानी रत्ना होती थी ना उसकी आत्माएँ आज भी भटकती हैं रात को ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो एक ही रात में पूरा खंडर हो गया था शहरी तांत्रिक की वजह से जी तो तांत्रिक ने शराब दे दिया था जी तो तांत्रिक भी मर गया था और रानी की आज भी जो रानी भी मर गई थी तांत्रिक भी मर गया था तो रानी की आत्माएँ आज भी भटकती हैं और बुत का साया आज भी है मगर किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है जी वो वाली बात है और कुछ नहीं है ऐसे क्या है अब ऐसे तो क्या है कि वो तो आत्मा ही है कभी कहीं भी किसी को दिख जाए किसी को ना दिखे तो आपने कभी देखी है देखो तो हमने तो देखी नहीं मगर हमारे बड़े बुजुर्ग है ना उन्होंने देखी है जरूर तो मतलब जो आपके जो बड़े बुजुर्ग थे उनका कहना है कि यहाँ पे मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं हाँ यहाँ पर आवाज़ आती थी नाचने गाने वालों की आवाज़ आती थी वहाँ की जो भूत चंद होती थी उनकी पंचायतियाँ होती थी तो वो सुनते थे लोग और देखो तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ तो सच्चाई है ही जी कुछ तो सच्चाई है क्योंकि अगर आगे भी सौ परसेंट नहीं है तो पचास परसेंट सच्चाई तो है इसमें क्योंकि अगर इतना इस है हॉन्टेड पैलेस है पूरा खंड है सुम जंगल है तो फिर उस हिसाब से है ही मैं मानता हूँ इस बात को मैं भी मानता हूँ कि हाँ है अप, आज भी है तो सर जो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं कि उन्होंने कभी देखा है या नहीं देखा है जो भी है अभी देखो ऐसे है कि अब किसी को किसी के बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता कि कोई आदमी देख भी लिया तो वो उसको प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती है जी बात यह है कि अगर कोई देख जाए तो मेरे को नहीं दिखा आपको दिख गया अब कई लोग बोलते हैं मेरे भानगढ़ में ये हो गया मेरे भानगढ़ में हो ये हो गया तो किसी को हो भी जाता है तो किसी का नहीं भी होता है तो एक और यहाँ पे अब अफवाह फैलती है कि जैसे कि हम अगर हम रात को निकलेंगे तो स्पेशल एक पर्टिकुलर एक टाइम के के दौरान ही हमको वो दिखेगी तो वैसा कैसी ना क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी रात को जाने को अलाउ नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कल ना कोई भी खतरा हो जाए कोई भी किसी की जिम्मेदारी तो उनकी है ना जी कल ना कोई ड्रिंक करके चला गया ऐसे कोई स्लिप हो गया कोई पड़ गया कोई जानवर जंगली जानवर खा गया या कोई और भी मान लो कुछ भी बात हो गई तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन रखेगा गाड़ी गाड़ के ऊपर ही आएगी ना जी तो वो वाली बात है ऐसा कोई नहीं है कि भाई वो ऐसे है कि ये ऐसे है अब वो गाड़ भी वो रहते हैं तो ये सही है कि भाई गाड़ों को बूथ पकड़ लिया वो वाली बात है और ऐसा कोई वो नहीं है ऐसा वो नहीं है देखो और अच्छी बात है इंसान को रात को सोने के लिए बनाई है जी जी बूथों को तो रात को जगने के लिए बनाया बूथ तो उनका तो उनका गाँव उनका शहर है तो वो बूथों की नगरी है जी भानगढ़ है जो बूथों की नगरी है तो वो है ही कुछ कुछ सो so गैस ये था एक इंटरव्यू क्विक और मैं बताना चाहूँगा कि इनका एक प्यारा सा गेस्ट हाउस है अगर आपका यहाँ पे कभी भी प्लान बनता घूमने का तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस मिल जाएगा और साथ ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इनका इनका जो कार्ड है वो सो so, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर वेलकम नेक्स्ट टाइम आओ हाँ आप कभी भी पिकनिक शादी साल की गाड़ी की पार्किंग भी अच्छी है जी रहने की खाने की पूरी व्यवस्था है जी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए कपल्स वगैरह कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं सस्ता सबसे सबसे सस्ता सबसे अच्छा भावना गेस्ट हाउस जी और गाय सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे जो खूबसूरत वादियाँ भी यहाँ पे पड़ा पहाड़ भी है तो अगर आप क्या होगे तो आपको अच्छा लगेगा आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं फ्रेंड के साथ आए तो बस गाय से यही था आज का एक छोटा सा वीडियो मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद